हेलो गाइज़, आप देख रहे हैं एफ्टी थॉट्स। मेरा नाम है रवि कुमार और गाइज़ आज के इस नए वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप दो बड़े वेबसाइट से आपको मैं बैकलिंक दिलवाऊंगा, वहां से अच्छा खासा ट्रैफिक आपके वेबसाइट पे जनरेट होगा और उन दोनों वेबसाइट्स का गाइज़ जो डी और पीए है वो 90+ है। तो समझ सकते हैं उन वेबसाइट की अथॉरिटी क्या होगी अगर आपको वहां से ट्रैफिक और बैकलिंक मिलता है। तो गाइज़ वहीं साथ साथ मैं आपको अपनी वेबसाइट से डू फॉलो बैकलिंक देने वाला हूं। अगर आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आई होप इस वीडियो पर भी आप लोग 70+ लाइक ज़रूर लाएंगे जो कि इसका टारगेट है। तो गाइज चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको अपनी वेबसाइट दिखा देता हूं जहां से आपको मैं डू फॉलो बैकलिंक्स देने वाला हूं। बट कुछ शर्तें हैं अगर आपको बैकलिंक्स पाना है। तो गाइज जैसा कि देख सकते हैं मैंने अपना वेबसाइट यहां पर खोल दिया है techm.com। इसका पूरा मैं आपको स्टेट्स दिखाऊंगा कि डी ए पी ए कितना है, स्पैम स्कोर्स कितना है। सबसे पहले स्कोर देख सकते हैं यहां पर, एलेक्सा रैंक्स 6,20,000 है जो कि काफ़ी अच्छा है कंपेयरिंग टू अदर वेबसाइट्स। तो गाइज़ यहाँ पर सिंपली हम इसका स्टेट्स चेक कर लेते हैं। इसके लिए हम वेबसाइट SEO चेकर पे जाएंगे। सबसे पहले मैं अपने वेबसाइट का लिंक कॉपी करूँगा और यहाँ पर आके इसे पेस्ट कर दूँगा। तो गाइज़ जैसा कि देख सकते हैं मैंने पेस्ट कर दिया। अब सिंपली हम चेक के बटन पे क्लिक करेंगे और सिंपली हमारे जो वेबसाइट का सारा डेटा है वो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। उसका स्पैम स्कोर डी ए पी ए तो देख सकते हैं, डी ए 17, पी ए 28 और यहाँ पर स्पैम स्कोर भी आप देख सकते हैं 1% है जो कि काफ़ी अच्छा। और गाइज देख सकते हैं 1.5 साल से पुरानी मेरी वेबसाइट है जो कि मेरे वेबसाइट को और ख़ास बनाती है। अगर आपको यहाँ से बैकलिंक मिलता तो आपको थोड़ा हेल्प तो ज़रूर हो ही जाएगा। तो गाइज चलिए मैं आपको बता देता हूँ आपको बैकलिंक मिलेगा कैसे। सिंपली आप देख सकते हैं वेबसाइट कैसा है, इसका नीच कोई भी आर्टिकल सपोर्ट करेगी मेरी वेबसाइट। आप जिस पे आर्टिकल लिखना चाहें उस पे लिख के सेंड कर सकते हैं, यहाँ पर आपको कोई लिमिटेशंस नहीं है। वहीं साथ साथ रैंक भी अच्छा। और यहाँ पर देख सकते हैं आप ऑल टेक न्यूज़, व्हाट्सएप लिंक्स, एंटरटेनमेंट, अर्न मनी, हिंदी टेक, एंड्रॉयड, वेबसाइट रिव्यूज़, किसी भी टॉपिक पर लिख के मेरे को टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे भेज सकते हैं। आपके सामने ईमेल एड्रेस आ रहा है, उस पे आपको भेजना है, वो भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में, याद रखना है। आपको मैं दो बैकलिंक दूंगा अगर आपका पोस्ट सेलेक्टेड होता है। तो जो सबसे पहली वेबसाइट है जहाँ से आपको बैकलिंक मिलने वाला और अच्छा खासा ट्रैफिक आपके वेबसाइट पर जनरेट हो, डिस्कस, सिंपली मैं यहाँ पर गूगल पर लिख देता हूँ और सबसे जब सर्च करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला जो रिजल्ट है इस पर आपको विजिट करना है। तो हम इस पर विजिट कर लेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको सारे इस वेबसाइट के स्टेट्स आपको दिखा दूंगा जिससे आपको हेल्प हो जाएगी इस वेबसाइट की अथॉरिटी जानने में। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका लिंक एड्रेस हमने कॉपी किया। आप दूसरी वेबसाइट पे हम जाएंगे जिसका नाम है वेबसाइट SEO चेकर। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक लिंक एड्रेस कॉपी कर लिया और यहाँ पर आके सिंपली जैसे ही मैं इसे पेस्ट करूँगा और आई एम नॉट अ रोबोट के कैप्चा को सॉल्व करके सिंपली चेक के बटन पे क्लिक कर देंगे तो इसकी वेबसाइट के जो भी स्टेट्स होंगे वो हमारे सामने आ जाएंगे। तो भाई देख सकते हैं गाइज इस वेबसाइट का लुक कैसा है, इसका यूज़र इंटरफेस कैसा है। और यहाँ पर देख सकते हैं इसके सारे स्टेट्स आ गए हैं, डी ए 94, पी ए 88 और स्पैम स्कोर 1% है और 12 साल पुरानी वेबसाइट है। तो समझ सकते हैं इससे अगर आपको ट्रैफिक और बैकलिंक मिलता है तो उसके क्या इंपॉर्टेंस होगी। तो देख सकते हैं वेबसाइट का यूज़र इंटरफेस काफ़ी सिंपल है। सिंपली आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके अकाउंट बना लेना है। देन इसके बाद जैसे ही आप अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ऐसा कुछ यूज़र इंटरफेस आएगा। वेबसाइट का लुक जो है वो काफ़ी हैंडी है और कोई भी यहाँ से बैकलिंक बना सकता है। सिंपली आपको प्रोफाइल के बटन पर क्लिक करना है और व्यू प्रोफाइल के बटन पर क्लिक करके जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो गाइज आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा कुछ पेज खुल जाएगा जिसमें आपको अपना बैकलिंक बनाना। देख सकते हैं मैंने अपना बैकलिंक यहाँ पर बनाया हुआ है। मेरे वेबसाइट का लिंक गाइज मैंने यहाँ पर दिया हुआ है और आप भी अपने वेबसाइट का लिंक यहाँ पर दे सकते हैं। अगर न्यू टैब में मैं इसे ओपन करूँ तो मेरी वेबसाइट ओपन हो जाती है, जिसका मतलब है कि ये लिंक जो है वो 100% वर्किंग है। तो इसके लिए आपको सिंपली एडिट प्रोफाइल के बटन पर क्लिक करना है, अपना एक इमेज अपलोड करना है एज अ अवतार। देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना नेम सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका नेम हो। जैसा कि देख सकते हैं मैंने नेम अपना जो सेलेक्ट किया है। उसके बाद आपको अपना बायोग्राफी में कुछ भी लिख देना है एक लाइन। देन इसके बाद आपको वेबसाइट का ऑप्शन मिल जाता है जहां पर आपको अपने वेबसाइट का या पोस्ट का एड्रेस देके सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। तो इससे गाइज आपको और एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको प्राइवेसी को अनटिक करना है, नहीं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। सिंपली सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका एक बैकलिंक इस वेबसाइट से बन जाएगा जो कि डिस्कस वेबसाइट है। इसका सारे डिटेल्स मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर देख सकते हैं गाइस चेक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपने इमेज पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अपने इमेज पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो आपका प्रोफाइल है वो खुल जाएगा और यहाँ पर देख सकते हैं गाइस आपका बैकलिंक यहाँ पर रेडी हो चुका है, जिसका मतलब है कि आपको यहाँ से एक बैकलिंक मिल गया। नेक्स्ट वेबसाइट है जहाँ से आपको ट्रैफिक और बैकलिंक मिलने वाला है, उसका नाम है अबाउट मी। जैसे ही आप सिंपल गूगल पे सर्च करेंगे तो आपके सामने जो पहला रिजल्ट आएगा उस पर आपको विजिट कर लेना है। सिंपली इसके स्टेट्स भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पर हम उसी वेबसाइट पे दोबारा जाएंगे, वेबसाइट SEO चेकर, यहाँ पर स्पैम स्कोर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सिंपली इसका लिंक एड्रेस हम कॉपी करेंगे। गाइज यहाँ पर हम सिंपली एड्रेस को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे और आई एम नॉट अ रोबोट के कैप्चा को सॉल्व करने के बाद सिंपली चेक के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट का जो भी स्टेट्स होंगे वो हमारे सामने आ जाएंगे। जैसा कि देख सकते हैं इसका डी ए 93, पी ए 71 और स्पैम स्कोर इसका 1% है जो कि काफ़ी बड़ी वेबसाइट है। और आपको यहाँ से बैकलिंक और ट्रैफिक मिलता है तो आपके वेबसाइट का जो अथॉरिटी है वो भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी।
तो सिंपली हमने स्टेट्स देख लिए इस वेबसाइट के सारे। अब आपको करना क्या है गाइज, आपको इस वेबसाइट पे दोबारा आना है, विजिट कर लेना है इस वेबसाइट पे, और विजिट करने के बाद सिंपली आपको अपना अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाना मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि सबको पता है अकाउंट कैसा बनाया जाता है। देन इसके बाद आपको कुछ ऐसा यूज़र इंटरफेस मिलेगा, सिंपली अगर आप रीड माई आर्टिकल्स के बटन पर क्लिक करते हैं गाइज तो आप मेरे वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर आपको अपना लिंक लगाना है तो आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। जैसा कि देख सकते हैं मेरी वेबसाइट का आर्टिकल एक खुल गया जो कि रैंक भी कर रहा है। तो अगर आपको भी ऐसे ही करवाना है तो सिंपली आपको अकाउंट बनाने के बाद अपने प्रोफाइल के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर कुछ डिटेल्स है जो कि आपको पूरी करनी पड़ेगी। जैसे बायो आप लिख सकते हैं अपनी, बायो लिखने के बाद आपको सिंपली आप सेलेक्ट करना है कैजुअल बायो रखना है प्रोफेशनल, तो कैजुअल पे आपको क्लिक करना है या अपने नीड के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पर नीचे आना है और डिटेल्स के बटन पर क्लिक करके यहाँ पर आप सोशल लिंक्स भी दे सकते हैं गाइस। जब मैं आपको बता दूँ कि आप बहुत सारे लिंक्स अपने यहाँ पर सेव कर सकते हैं, एज ए एग्जाम्पल जैसा कि देख सकते हैं मैंने अपना एक आर्टिकल, अब यहाँ पर मैंने अपने टेकम वेबसाइट का भी पूरा यहाँ पर लिंक दिया गया है जैसा कि देख सकते हैं। अगर आपको भी ऐसा देना है तो आपको सिंपली आपको दोबारा यहाँ आना है, सोशल लिंक्स पे क्लिक करना है। देन इसके बाद फिल्टर बाय नेम के बटन पे क्लिक करके आपको, अगर आप ब्लॉगर पे आपकी वेबसाइट है तो ब्लॉगर सर्च करना है। देन इसके बाद अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे तो आपको वर्डप्रेस सर्च कर देना है, वर्डप्रेस का भी ऑप्शन मिल जाता है। देन इसके बाद आपको और भी काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं, आप YouTube का लिंक यहाँ पर दे सकते हैं, Facebook का लिंक दे सकते हैं, Facebook प्रोफाइल का लिंक दे सकते हैं। तो मेरी ब्लॉगर पे वेबसाइट है तो मैं ब्लॉगर सेलेक्ट करूँगा। देन इसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करके अपने वेबसाइट का URL यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। देन इसके बाद सेव के बटन पे क्लिक करने के बाद जो भी मेरे वेबसाइट का डिटेल है वहाँ पर फिल हो जाएगा। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर ब्लॉगर का मेरा लिंक जो है वो लिंक हो चुका है मेरे वेबसाइट से और यहाँ पर मेरी वेबसाइट ओपन हो रही है, जिसका मतलब है कि ये वर्क कर रहा है। तो गाइज़ ऐसे ही आप भी अपने वेबसाइट का लिंक यहाँ पर दे सकते हैं और अच्छा खासा यहाँ से ट्रैफिक इन दोनों वेबसाइट से ला सकते हैं। तो गाइज़ आशा करूँगा, सो गाइज़ आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको ऐसे ही वेबसाइट रिलेटेड वीडियोज़ चाहिए। और अगर आपको ऐसी वीडियोज़ और चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो थैंक यू गाइज़।